आत्मा चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। सभी महिलाओं की एक प्रेरक कहानी होती है, बिल्कुल उनकी साथी महिलाओं की कहानी की तरह। वे सशक्त महसूस करती हैं कि एक व्यक्ति के रूप में वे अपना योगदान दे सकती हैं। सहस्त्राब्दी महिलाएं आज जहां हैं वहां पहुंचने के लिए अपने दैनिक संघर्षों से निकलकर आगे बढ़ी हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही महिला से मिलवाने वाले हैं जिनका नाम है नीरू मित्तल जी, जो कि एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बापूजी फूड की MD भी हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर इन्हें अवार्ड देकर सम्मानित भी किया गया था। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये बाकी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत कैसे बनी। सबसे पहले आपका आत्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो नीरू मित्तल जी, आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया, क्योंकि आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बापूजी फूड की MD भी हैं और साथ ही साथ आप अपना घर का जो है गृहिणी भी हैं, एक घर का काम संभालती हैं। तो आप कैसा महसूस करिए जब आपको ये अवार्ड मिला? ओम सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हम सब नारियाँ उस महान नारी की संतान हैं जिन्होंने जंगल के राजा शेर पर सवारी करी। तो नारी में शक्ति तो अपने आप ही है, क्योंकि उस महान आत्मा के साथ हम जुड़े हुए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये अवार्ड सिर्फ मुझे नहीं, भारत की सभी नारियों को मिलना चाहिए, बल्कि पूरे विश्व की नारियों को मिलना चाहिए। सभी नारियाँ जो घर में गृहिणी की तरह भी काम करती हैं, चाहे बाहर निकल के नहीं कुछ करती या कर नहीं पाती, उन वो भी सम्मान के योग्य हैं, क्योंकि घर का काम हर तरीके से अच्छे तरीके से मैनेज करना भी अपने आप में एक कला है। जी, तो जैसे कि अभी आपने बोला कि और ऐसी कई महिलाएं जो केवल गृहिणी हैं, लेकिन कई महिलाएं ऐसी होती है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है, लेकिन फिर भी वो अपने टैलेंट को दरकिनार करके वो अपने घर में ही ऐसे रुझ जाती हैं कि वो आगे अपना काम नहीं कर पाती, अपने टैलेंट की तरफ ध्यान नहीं दे पाती। तो ऐसी महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखो, बहुत सी नारियां ऐसी हैं, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, जिनमें टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है, पर कुछ घरों की रिस्ट्रिक्शंस, कुछ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बड़ों का जो उन्होंने आदर भी करना है, उनकी केयर भी करनी है, बच्चों का ध्यान रखना है, पति की सेवा करनी है, तो उसमें वाकई वो बिल्कुल इतनी मगन हो जाती हैं कि उनका टैलेंट दब के रह जाता है जी। पर आज के टाइम में मेरे अकॉर्डिंग उनको ऐसा प्लेटफॉर्म ज़रूर मिलना चाहिए कि वो कुछ करके दिखाएं जी। और नारी में ऐसी शक्ति है कि वो एक काम के साथ साथ बहुत से कामों को मैनेज कर लेती हैं जी, जो कि पुरुष नहीं कर पाते जी। वो किचन में भी देख लेती है कि मेरा खाना बनने वाला है या बच्चों को कुछ देना है, हस्बैंड को देना है, एट ए टाइम एक ही टाइम पर बड़ों को क्या देना है, उसको सब ध्यान होता है और सब बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती है जी। तो जो हमारा समाज कुछ कुरीतियों के कारण पीछे है कि नारियों को आगे बढ़ने नहीं देता, ये मैं समाज को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि वो बच्चों को या लड़कियों को करने दें जो वो करना चाहती हैं, और थोड़ा थोड़ा घर की कामों के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए वो करना चाहें तो कर भी सकती हैं जी। तो उनको करना भी चाहिए जी, क्योंकि बचपन से पेरेंट्स ने बहुत मेहनत करके बच्चों को पाला होता जी, है और उनका टैलेंट ससुराल में आके बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है जी। तो जैसे कि आप अभी इस मुकाम पर पहुंची हुई हैं, तो आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? और मुझे लगता है कि आपको अभी भी कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता होगा, क्योंकि आप एक हाउसवाइफ भी हैं और साथ ही साथ आप एक बिजनेस भी चला रही हैं और एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगी? देखो, कठिनाइयों का सामना तो सबको करना पड़ता है, पर अगर हम कठिनाइयाँ सोच के ये सोचें कि हमने नहीं कुछ करना, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि नारी आगे आए, ठीक है, तो उसको थोड़ा थोड़ा बिल्कुल दूसरे को भी फील भी ना हो कि हमारा काम नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा करते वो कर सकती है अगर वो करना चाहे। और थोड़ा सा जो घर में उनसे बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनको भी साथ देना चाहिए जी। यहाँ अगर बच्चे कुछ करना चाहते हैं तो थोड़ा सा उनका रास्ता खोल देना चाहिए जी। आज के ज़माने में जो महिलाएं वो काफ़ी ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं, हर फील्ड में अपना दमखम दिखा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जो महिलाएं हैं जॉब करती है तो कुछ जगह पर ऐसा होता है कि
उनको जितनी सैलरी मिलनी चाहिए पुरुषों के अकॉर्डिंग उनको उतनी सैलरी नहीं मिलती, उनको उनसे कम ही सैलरी मिलती है, तो आपको इसके पीछे का कारण क्या लगता है? हमारा जो समाज है ये पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष को ना कहीं अनसिक्योरिटी, अपनी इनसिक्योरिटी फील होती है कि अगर महिलाओं को मेरे से ज़्यादा सैलरी मिल जाएगी या ये ज़्यादा काम करने लग जाएंगी तो जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो ज़्यादा ही ना आगे बढ़ जाए, घर में ही ना सब कुछ शुरू हो जाए। बेसिकली क्या होता है कि एक नारी जो सशक्त है उसकी जो सशक्तता है ना वो दूसरी नारी के सशक्त होने का आधार बनती है, उसको उसको देख के मोटिवेशन तो मिलती है। तो थोड़ा सा पुरुषों को भी इस चीज़ में साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर घर में सैलरी आएगी तो अपनी जो लग्जरीज हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, डबल इनकम हो जाएगी, तो उनको अपना माइंड खोलना पड़ेगा। जी, तो आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा किस्सा जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी? किस्सा कैसे, मतलब जो जैसे कि आप अभी यहाँ पे इतनी मेहनत से, कड़ी मेहनत करके ही यहाँ पर पहुँचे हैं और अभी आप लोगों के लिए, बाकी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा भी है, तो आप, आपकी जो जर्नी है, इस जर्नी के बीच में कोई ऐसा किस्सा जिससे हमारे दर्शकों को और ज़्यादा प्रेरणा मिल सके? देखिए, बेसिकली मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और ये शादी से पहले मैंने डाइटिशियन का भी किया हुआ था, न्यूट्रिशन का कोर्स मैंने बाद में किया, थोड़ा थोड़ा करते करते ही ऐसे मैंने पेपर दे दिए थे। तो फिर उसके बाद आपके घर की रिस्पांसिबिलिटी शुरू हो जाती है, बच्चों को बड़ा करना पढ़ाना सब, तो थोड़े बच्चे जब कॉलेजेट हुए तो मेरे को लगा कि अब मेरे को ये थोड़ा सा अपना करना चाहिए। तो कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स थी, जैसे अपना किसी की नीज़ में दिक्कत है, किसी की बैक की दिक्कत है, तो वो मैंने उस पर थोड़ा थोड़ा अपना काम करना शुरू किया, तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ गए, ये भी बात होती है। तो जब रिज़ल्ट अच्छे आए तो धीरे धीरे घर में खुद ही पेशेंट आने शुरू हो गए, फ़ोन पे बात करनी उन्होंने आ जाना, और मेरे को भी बड़ा मज़ा आने लगा, क्योंकि हमारी नेचर क्या है कि हमने दूसरे की हेल्प करनी है। जब कोई बेड पे है तो वो ठीक हो जाता है, अगर आपका थोड़ा सा गाइड करने से तो और क्या चाहिए होता है। तो बस ऐसे करते करते ही मैंने अपना शुरू किया, और हमारा ब्रांड है बापूजी फूड प्रोडक्ट्स, तो उसमें मैंने कुछ फूड तो हमारा डाइट रेंज से बनता ही है, लोगों की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग, उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ करके हर्ब्स के साथ, बीच में हर्ब्स जोड़ के मिला के बनानी शुरू की, जो सूट करनी शुरू हो गई जी, तो उससे ब्लेसिंग्स मिलनी शुरू हो गई। जब ब्लेसिंग मिलती है, लोग ठीक होते हैं, तो अपने आप की आपका काम फ्लरिश हो जाता है जी, तो मेरे को इसमें बहुत खुशी मिलती है जी। तो आज के टाइम में ना कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो हालातों के आगे घुटने टेक देती हैं, तो ऐसी महिलाओं को आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी भर की मेहनत उसके साथ जुड़ी हुई है, तो हालात के आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए आपको। थोड़ा थोड़ा वही है ना बात, थोड़ा थोड़ा करते 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 बूंद बूंद भरते भरते समुंदर बन जाता है, और महिलाएं ही ऐसी हैं जो गागर में सागर भर सकती हैं, और किसी में ऐसी शक्ति नहीं है, तो उनको अपने घर का साथ साथ करते हुए घुटने नहीं टेकने चाहिए हालात के आगे, थोड़ा थोड़ा करते रहना चाहिए। वो क्या होता है, आगे जाके एक बहुत फ्लरिश सा बुके बन जाता है, वो समझ भी नहीं आती कि कैसे। अच्छा, मतलब मैं अपने आप सोचूं तो मेरे को नहीं पता था कि आज मैं इस मुकाम पे पहुंच जाएंगी जी। और जैसे आज उन्होंने, ये ध्रुव प्रोडक्शन वालों ने हमें अवार्ड दिया है, मैं थैंक्स करती हूँ मिसिस अनुकालिया जी का, उन्होंने लुधियाना से कुछ टैलेंटेड लेडीज़ चुनी, उनको बहुत अच्छे से वहाँ सम्मानित किया, उन्होंने नोट किया कि जो गृहणियाँ घर के साथ साथ दूसरे अपने बिजनेस के कामों में या लोक सेवा के कामों में हिस्सा लेती हैं, तो उन्होंने वहाँ उनको सम्मानित किया, बहुत अच्छा लगा ये, उनका मैं थैंक्स करती हूँ जी। तो जैसा कि हम महिलाओं के यहाँ पे बात करें, उनके हक की बात करें, लेकिन आज के ज़माने में हम जैसे देख रहे हैं कि महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, खास करके जो छोटी मासूम बच्चियाँ हैं वो भी हैवानों का शिकार हो रही हैं, तो आप ऐसे समाज को किस तरीके से देखती हैं, ऐसे समाज में जहाँ हम जो महिलाएँ हैं वो सुरक्षित ही नहीं महसूस करती खुद को? इसमें तो ऐसा है, जो लड़कियां हैं उनको सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे वगैरह सीखना चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए कि उनको अपनी रक्षा अपने आप कैसे करनी है। और दूसरी बात इसमें ये भी है, जो मदर्स हैं हमारी जैसी, जब हमारे बच्चे स्पेशली बॉयज़ ग्रोइंग एज में हैं जी, तो हमें उनको सिखाना चाहिए कि हमने गर्ल्स की रिस्पेक्ट कैसे करनी है,
जो दूसरी लड़कियां हैं उनको हेल्प भी करना है और उनकी सुरक्षा भी करनी है, प्रोटेक्शन कैसे देनी है जी। ये तो बचपन से बच्चों को इस तरह से शिक्षा मिलेगी लड़कियों को सेल्फ प्रोटेक्शन करने की और बॉयज़ को कि कैसे उन्होंने दूसरों का सम्मान करना है, तभी ये समाज सुधर सकता है जी। तो आपको क्या लगता है कि जैसे पुराने के ज़माने में औरतें घूंघट में रहती थी और बाहर नहीं निकलती थी घर से, लेकिन आज के टाइम में तो महिलाएं इतनी ज़्यादा सशक्त हो गई हैं कि अपने बलबूते पे वो कमा सकती, खा सकती, यहाँ तक कि अपना परिवार भी चला सकती हैं। तो आपको अभी क्या लगता है कि आगे चल के इससे भी बेहतर हो सकता है महिलाओं का भविष्य? बिल्कुल 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 हो सकता है, क्योंकि नारी तो शक्ति है ही है ना, नारी में इतनी ज़्यादा शक्ति है कि वो कुछ भी चाहे वो कर सकती है। तो आगे चल के बहुत अच्छा भविष्य आने वाला है अगर जो घर के बड़े हैं वो थोड़ा थोड़ा उन बच्चों को हेल्प करें जी। तो अब जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, आखिर में लास्ट में आप उनको क्या कहना चाहेंगी, जो महिलाएं हैं जो भी घर में बैठी हैं जो आपको देख रही होंगी कि नहीं आप उनके लिए क्योंकि एक प्रेरणा का स्रोत हैं और जो अभी हालातों से हारी हुई हैं, उनको सबसे ज़्यादा आप क्या कहना चाहेंगी? बस वही बात आती है दोबारा से कि कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा करते रहें ताकि आगे जाके उनको एक तो मुश्किल ना हो। क्या पता है, देखो आज का टाइम ऐसा है जो जेंट्स बिजनेस करते हैं कभी भी उसमें भी ब्रेकडाउन हो सकता है जी। तो अगर लड़कियां साथ में कुछ कुछ करती रहेंगी, इसकी तो एक लाइव एग्जांपल है मेरे पास, मेरी फ्रेंड की बेटी पहले उसने किड्स क्लब खोलना चाहा तो नहीं खोलने दिया, फिर उसने थोड़ा थोड़ा घर में रिक्वेस्ट करके खोल लिया, तो जब उसका बहुत अच्छा चलने लग गया तो उसके जो इन लॉज का बिजनेस था एकदम से ख़त्म हो गया। तो वही 3-4 महीने वो जो उसका किड्स क्लब था उसी के सहारे उनकी घर का सारा खर्चा भी चला। तो उस टाइम सबको बड़ा अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा किया। तो ऐसे ना करते रहना चाहिए कुछ कुछ, मतलब जो हमारी फैमिलीज हैं उन वो अगर अपने बच्चों को लड़कियों को सपोर्ट करेंगी तभी लड़कियाँ आगे बढ़ पाएंगी। सपोर्ट करना भी चाहिए, लड़कियाँ तो माँ बाप की जान है, इतने नाजों से हम बच्चों को पालते हैं तो फिर वो देखो चूल्हा चौका ही सब कुछ नहीं है, चूल्हे चौके से बाहर भी निकलना चाहिए। और ये नहीं कि चूल्हा चौका हमें करना नहीं है, वो करना है। जो रोटी घर में लड़की औरत बहू अपने बड़ों को अपने बच्चों को खिला सकती है वो नौकर नहीं खिला सकता, पर नारी में ऐसी शक्ति है वो सुबह अपना ब्रेकफास्ट सबको दे के उसके बाद भी वो काम पे जा सकती है और आके फिर अपने किचन का काम कर सकती है। ये भगवान ने ऐसी शक्ति उसको दी है। तो मेरी बस यही मैसेज है मेरा सब गर्ल्स के लिए कि अपने घर का भी करो, बच्चों का भी करो और साथ में आपके अंदर जो भी इच्छा है उसको ज़रूर पूरा करो, उसको मारना नहीं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका आत्मा चैनल में आने के लिए और इंटरव्यू देने के लिए, और आत्मा चैनल आगे भी आपसे ऐसी रابطہ कायम करता रहेगा। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा कि बापूजी फूड की MD और एक न्यूट्रिशनिस्ट होने के बावजूद ये अपना घर भी संभाल रही हैं और अपना बिजनेस भी संभाल रही हैं और ये बाकी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है, प्रेरणा का स्रोत है। और मैं बाकी सभी महिलाओं से कहूँगी कि आप इनसे प्रेरणा लें और आगे चल के आप भी आप में जो टैलेंट है वो उसे बाहर निकालें और अपने बलबूते पे अपने पैरों पर खड़ा हो। और ऐसे ही देखते रहिए आत्मा चैनल।